हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज आपको बताने वाला हूँ 8 ऐसी चीज़ें जो सिर्फ आईफोन यूज़र्स कर सकते हैं लेकिन एंड्रॉयड यूज़र्स नहीं कर सकते। ये इसलिए बना रहा हूँ वीडियो ताकि एंड्रॉयड यूज़र्स को भी समझ में आ जाए कि कौन सी ऐसी खास चीज़ें होती है आईफोन के अंदर जिसको छोड़कर आईफोन यूज़र्स जो है एंड्रॉयड पर शिफ्ट नहीं करते। एक बार जिसने आईफोन यूज़ करना शुरू कर दिया वो बहुत ही मुश्किल होता है उसको एंड्रॉयड पर वापस जाना। तो क्या ऐसा होता है खास आईफोन में, आईओएस सिस्टम में या पूरा एप्पल के इकोसिस्टम में जो सिर्फ आईफोन्स के अंदर ही पॉसिबल है, एंड्रॉयड फोन्स के अंदर नहीं? और अगर आप चाहे, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं और भी इस टाइप के वीडियोस जो है बना सकता हूँ। ये सिर्फ 8 चीज़ें बता रहा हूँ लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ और सबसे यूज़फुल चीज़ जो एक आईफोन के अंदर होती है जो एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर नहीं होती वो होती है एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप की मदद से आप कौन से भी टाइप की फाइल जो है वो एक आईफोन से दूसरे आईफोन, आईपैड या फिर आपका जो मैकबुक वगैरह होगा उसके ऊपर कर सकते हैं शेयर वायरलेसली। इसमें आपको कुछ भी पेयरिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। बस एयर ड्रॉप पे आपने क्लिक किया और कितने भी जीबी के फाइल हो वो सेकंड्स में जो है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे इंस्टेंटली जो है चला जाता है। इसका कनेक्शन फास्ट और सिक्योर है, ट्रांसफर स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। और सिर्फ ये चीज़ नहीं कि आप फोटोज़ वीडियो शेयर कर सकते, कोई भी टाइप का डॉक्यूमेंट, कोई भी लिंक वगैरह भी शेयर कर सकते। सपोज आप अपने आईफोन पे एक वीडियो देख रहे हो जो देखना है आपको अपने आईपैड के ऊपर, तो बस एयर ड्रॉप पे आपने क्लिक किया, आपका यूट्यूब वीडियो जो है आपके आईपैड पे डायरेक्टली शुरू हो जाएगा। आपको जाके हिस्ट्री में उसको सर्च करके वहां से इसको प्ले करने की जरूरत कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली आप जो है अपने आईफोन से एयर ड्रॉप कीजिए अपने आईपैड के ऊपर और वहां पे वो वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो ये कमाल का फीचर है जो कि एंड्रॉइड के अंदर होगा तो एंड्रॉइड यूजर्स की भी जिंदगी जो है बहुत आसान हो सकती है। नेक्स्ट चीज है कॉपी पेस्ट। अभी आप बोलेंगे कॉपी पेस्ट तो हर कोई कर सकता है लेकिन कॉपी ऑन वन डिवाइस एंड पेस्ट ऑन अनदर डिवाइस सिर्फ हो सकता है पॉसिबल आईओएस के अंदर और एप्पल के इकोसिस्टम के अंदर। सपोज आप आईपैड पे कुछ काम कर रहे हो और आपके आईफोन पे कुछ ऐसा मटेरियल है जो आपको अपने आईपैड पे कॉपी करके पेस्ट करना है तो आपको अपने आपको ईमेल करने की जरूरत नहीं, मैसेज करके सेंड करने की जरूरत नहीं, व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं। बस आपको जो है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है अपने आईफोन पे और आईपैड पे दबाना है पेस्ट। डायरेक्टली जो है वो आपके आईफोन का कॉपी किया हुआ कंटेंट आपके आईपैड पे पेस्ट हो जाएगा। ये सारे एप्पल इकोसिस्टम पे अप्लाई होता है। चाहे आपके पास मैकबुक हो तो आईपैड पे कॉपी करके जो है आप मैकबुक पे पेस्ट कर सकते हो और कहीं से भी जो है कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। ये भी चीज़ें जो है एंड्रॉइड पे पॉसिबल नहीं होती। अगली चीज़ जो आईफोन यूजर्स कर सकते हैं लेकिन एंड्रॉइड यूजर्स नहीं वो है आई मैसेज का इस्तेमाल। आई मैसेज भी जो है व्हाट्सएप की तरह ही एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है लेकिन ये आईफोन का जो है डिफॉल्ट मैसेजिंग एप्लीकेशन होता है। लेकिन इसमें आप जो है फोटोज, वीडियो, सारा मल्टीमीडिया शेयर कर सकते हो लेकिन ये जो आई मैसेज होता है ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है सच में, व्हाट्सएप की तरह नकली एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं। तो ये चीज़ पॉसिबल है एक आईफोन यूज़र को दूसरे आईफोन यूज़र को मैसेज सेंड करने के लिए। अगर किसी दो लोगों के पास आईफोन्स है या फैमिली में मल्टीपल आईफोन्स है तो आई मैसेज जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया में अभी ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि सारे लोगों के पास आईफोन नहीं है लेकिन यूएस वगैरह में जो है ये एक मेजर रीज़न है आई मैसेज, जिसकी वजह से लोग जो है एप्पल से या आईफोन से जो है एंड्रॉइड पे शिफ्ट नहीं होते। अगर आप किसी को आई मैसेज करते हो और अगर सामने वाले के पास आईफोन है तो ऑटोमेटिकली जो ग्रीन मैसेज का सिंबल है वो ग्रीन की जगह जो है ब्लू आता है आई मैसेज के अंदर। अगली चीज जो आईफोन यूजर्स कर सकते हैं लेकिन एंड्रॉइड यूजर्स नहीं वो है फेस टाइम वीडियो एंड ऑडियो कॉलिंग। फेस टाइम बिल्कुल वैसा ही है जैसे व्हाट्सएप का वीडियो कॉल, व्हाट्सएप का ऑडियो कॉल, गूगल डुओ वगैरह आपने इस्तेमाल किया ही होगा तो वैसे ही फेस टाइम है। लेकिन ये फेस टाइम जो है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है और इसकी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी जो है ये टॉप नॉच होती है, पूरे इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट होती है। अगर आपने व्हाट्सएप का वीडियो कॉल किया होगा, गूगल डुओ पे वीडियो कॉल किया होगा, वो जो है इट इज नोवेयर क्लोज टू फेस टाइम की ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी। बहुत ही जबरदस्त होता है और सिर्फ पॉसिबल होता है एक आई डिवाइस से दूसरे आई डिवाइस पे करने के लिए। फिफ्थ चीज जो आईफोन यूजर्स कर सकते लेकिन एंड्रॉइड यूजर्स नहीं वो है सीरी शॉर्टकट्स का इस्तेमाल। सीरी शॉर्टकट्स एक बहुत पावरफुल टूल iOS 12 के अंदर एप्पल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और iOS 13 के अंदर इसको और ज़्यादा पावरफुल बना दिया। सीरी शॉर्टकट्स एक ऐसी चीज़ है जिसको यूज़ करने के बाद जो है आपको मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वीडियो डाउनलोड करना है आपको, किसी का प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड करना है, इंस्टाग्राम से किसी की स्टोरी डाउनलोड करना है, कोई भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल वीडियो आपको डाउनलोड करना है, आपको कोई भी ऑटोमेशन सेट करना है, बैटरी मैनेजमेंट की आपको कोई भी इश्यूज़ है तो आप इससे जो है सॉर्ट आउट कर सकते हो, डिस्काउंट कैलकुलेटर, बहुत सारी चीज़ें जो है इससे आप कर सकते हो। वेबसाइट को अगर आपको करना है किसी लिंक को तो वो भी आप इससे कर सकते हो, बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, कोलाज बना सकते हो, बहुत सारे पिक्चर्स आपको कोलाज बनाना है तो वो चीज़ आप कर सकते हो और साथ साथ जो है इससे यूट्यूब वीडियोस वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अंदर ऑटोमेशन का भी ऑप्शन है जिससे आप जो है पर्टिकुलर जगह पे आने के बाद कौन सा सीरी शॉर्टकट रन होना चाहिए, आपके आईफोन जो है उसकी ब्राइटनेस कितनी सेट होनी चाहिए, उसका रिंगटोन क्या होना चाहिए, उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें जो है ये सीरी शॉर्टकट्स ऑटोमेटिकली आपको सेट करके दे देता है। और ये क्योंकि एप्पल का अपना खुद का एप्लीकेशन है तो इसमें आपकी प्राइवेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। हमारे इस वीडियो की जो अगली चीज़ है जो आईफोन यूजर्स कर सकते हैं लेकिन एंड्रॉइड यूजर्स नहीं वो है सीमलेस बैकअप एंड रीस्टोर। अगर आप एक आईफोन से दूसरा आईफोन पर
शिफ्ट हो रहे हो या फिर अपने आईफोन का बैकअप बना रहे हो, एक भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो उस बैकअप में मिस हो जाएगी। और आप नए आईफोन पर शिफ्ट होते हो पुराने आईफोन से, तो ऐसा एक भी जो है पर्टिकुलर कोई भी चीज़ नहीं आप बोल सकते हो कि मेरा एक मैसेज नहीं आया, मेरा एक कैलेंडर का एंट्री नहीं आया, कोई इवेंट नहीं आया, एक फ़ोटो नहीं आया, कोई चीज़ जो है आपकी मिस नहीं होगी। बिल्कुल वैसा का वैसा जो है पुराने आईफोन का कॉपी किया हुआ सारा मटेरियल जो है आपके नए आईफोन पे पेस्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने जो है पुराने आईफोन में से कुछ भी चीज़ मिस किया, क्योंकि आप मिस करेंगे ही नहीं। बैकअप एंड रिस्टोर जो है एंड्रॉयड पे भी होता है, लेकिन इतना सीमलेस और इतना सही तरीके से जो है एंड्रॉयड पे पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ चीज़ें जो है अगर आपने पुराने एंड्रॉयड फोन से नए एंड्रॉयड फोन पे शिफ्ट किया है तो ज़रूर आप मिस करेंगे ही करेंगे। अगली चीज़ जो है दोस्तों वो है सॉफ्टवेयर अपडेट। टाइमली सॉफ्टवेयर अपडेट देने के लिए एप्पल जो है वो जाना जाता है, और अभी जानते ही है कि एप्पल अपने डिवाइस को 4 से 5 साल तक मिनिमम अपने आईफोन्स पे आईपैड्स पे जो है सॉफ्टवेयर अपडेट पुश करता है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर अपडेट वो पुश करता है उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारे आईफोन, चाहे वो पुराने से पुराना आईफोन हो, नए से नया आईफोन हो, जो वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वर्जन को सपोर्ट करता है उस पर एक साथ एक ही दिन एक ही टाइम पे एक ही सेकंड पे जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट पुश किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आईफोन 6s जो है 2015 का आईफोन जो iOS 13 पे चल रहा है और आईफोन 11 प्रो मैक्स जो भी iOS 13 पे चल रहा है तो दोनों पे अलग अलग टाइम पे अपडेट आएगा। एंड्रॉइड की तरह नहीं कि इस महीने में जनवरी में ये अपडेट आने वाला है इन डिवाइसेस के ऊपर, उसके बाद फरवरी में इन डिवाइसेस के ऊपर आने वाला है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे जो है अल्टीमेट एक्सपीरियंस मिलेगा और कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं एक पुराना आईफोन यूज़ कर रहा हूँ। हमारे इस वीडियो की जो आखिरी चीज़ है दोस्तों वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है वाईफाई शेयरिंग। अगर आपने अपने एक डिवाइस पे वाईफाई का पासवर्ड डाल के रखा है तो बाकी किसी भी डिवाइस पे आपको मैनुअली वाईफाई का पासवर्ड एंटर करने की जरूरत नहीं। सपोज आप किसी होटल में गए, आपने रिसेप्शन वाले को बोला मेरे आईफोन पे जो है आप अपना वाईफाई पासवर्ड डाल दो, तो मेरे फैमिली के जितने भी आईफोन्स हैं, मेरा आईपैड है, मैकबुक है, सब पे जो है मैं वो पासवर्ड शेयर कर सकता हूँ। बस मुझे दोनों डिवाइसेस को नज़दीक रखना है, वहाँ पे जो है पासवर्ड एंटर करने के लिए जाना है अपने दूसरे डिवाइस पे, और ऑलरेडी मेरे जो पहले डिवाइस पे वाईफाई का पासवर्ड डाला हुआ है वहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा शेयर वाईफाई पासवर्ड, डायरेक्टली आप वहाँ से पासवर्ड शेयर कर सकते हो और यहाँ पे वो पासवर्ड एंटर हो जाएगा। पासवर्ड आपको वो बताएगा नहीं ताकि जिसका वाईफाई है उसकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो वो पासवर्ड बता के, लेकिन आपके दूसरे डिवाइसेस पे वाईफाई आ जाएगा और बड़े आराम से आप उसको यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों क्या सोचते हैं आप इन 8 चीज़ों के बारे में जो सिर्फ आईफोन यूज़र्स कर सकते हैं, एंड्रॉयड यूज़र्स नहीं? और एंड्रॉयड के अंदर अगर इसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव है स्टॉक तरीके से तो आप ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आप और देखना चाहते हैं ऐसे वीडियोस की कौन सी चीज़ें हैं जो आईफोन यूजर्स कर सकते हैं लेकिन एंड्रॉइड यूजर्स नहीं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।